1,200 दिनों में तैयार होने वाला शिप जिसपे 7.5 मिलियन डॉलर्स लगे, उस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे लग्जीरियस शिप टाइटैनिक, जो किसी 5-स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे, सिर्फ 2 घंटे में डूब गया। लेकिन ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। वाइट स्टार लाइन के 3 बड़े शिप ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटैनिक 19वीं सेंचुरी के मशहूर शिप हैं। 1900 से 1910 तक हर साल तकरीबन 9 लाख अफराद अमेरिका गए। इस वक्त 2 बड़ी कंपनीज वाइट स्टार लाइन और क्यूनट लाइन के बीच काफ़ी मुकाबला रहा और इससे शिप कंपनीज ने बहुत मुनाफा कमाया। क्यूनट लाइन के शिप बहुत तेज रफ्तार थे, इसी के मुकाबले वाइट स्टार लाइन ने भी अपने शिप ज़्यादा बड़े और लग्जरी बनाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोग इसमें सफ़र कर सकें। टाइटैनिक को भी इसी मकसद के लिए बनाया गया था। हार्लैंड एंड वुल्फ ने टाइटैनिक को 1909 बेलफेस्ट आइलैंड में बनाया। टाइटैनिक जहाज का नाम RMS टाइटैनिक था, जिसने अपनी पहली और आखिरी सेल 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से शुरू की थी। टाइटैनिक एक ताकतवर और शानदार जहाज था जिसने 1912 में तमाम दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। टाइटैनिक के सफर के दौरान जहाज ने यूरोप से न्यूयॉर्क तक का सफर करना था, लेकिन 15 अप्रैल 1912 को उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया और यह शिप नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गया। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की जान चली गई। इस जहाज में अमीर तरीन लोग और एमिग्रेंट्स मौजूद थे। टाइटैनिक शिप 882 फीट लंबा और 175 फीट ऊंचा था। ये दुनिया का पहला ऐसा जहाज था जिसको लग्जरी बनाया गया। इसमें जिमनेजियम, पूल, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट और हाई पावर्ड रेडियो टेलीग्राफ ट्रांसमीटर, और यही नहीं, इस शिप में एडवांस सेफ्टी फीचर भी थे जैसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट और रिमोटली एक्टिवेटेड वाटर टाइट डोर्स, जिसकी वजह से इस शिप को अनसिंकेबल शिप कहा गया और यही इसकी रेपुटेशन थी। और यही वजह थी कि इस शिप में सिर्फ 20 लाइफ बोट रखी गई, क्योंकि उनको जहाज के ना डूबने का यकीन था। मगर क्या वजह थी कि टाइटैनिक जैसा जहाज डूब गया जिसके डूबने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था? टाइटैनिक जहाज के टुकड़े खोजने के लिए 70 साल से भी ज्यादा का टाइम लगा। जहाज के टुकड़े तकरीबन 13,000 फीट नीचे समुद्री जमीन पर है। किसी को ये पता नहीं कि ये जहाज क्यों 2 टुकड़ों में टूट गया। कुछ लोगों का मानना है कि जब ये जहाज बर्फानी पहाड़ से टकराया था तो जहाज के अंदर पानी जाने की वजह से जहाज के 2 टुकड़े हो गए। शुरू में जहाज के बॉटम स्ट्रक्चर से शुरुआत हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि जहाज के रैबेट्स में आग में तपाए गए लोहे की वजह से आज के शिप्स के मुकाबले 3 गुना ज्यादा ढाट का मैल कुचल बन गया था, जिसने रैबेट्स कम लचकदार हो गए और ठंड में जहाज के टकराने से वो फौरन टूट गए और फिर जहाज डैमेज हो गया और पानी जहाज में भरना शुरू हो गया। सल्फर की ज्यादा मिकदार और ठंडे माहौल की वजह से रैबेट्स आसानी से बाहर आ गए। टाइटैनिक के डूबने की वजहों में से एक वजह ये भी थी कि जहाज के पास मुश्किल से जरूरत का सामान था, जैसे कि लाइफ बोट्स। टाइटैनिक के पास 20 लाइफ बोट थी जिनमें से सिर्फ 16 ही यूज की गई। टाइटैनिक की डूबने की वजह में से एक वजह स्टाफ की छोटी छोटी गलतियां भी थी। टाइटैनिक में इतनी ताकतवर मोटर होने के बावजूद उसकी स्पीड कम थी। इसके अलावा टाइटैनिक की तैयारी में दूसरी तमाम जरूरी अशियाओं की कमी थी। इस वजह से टाइटैनिक 24 गुना ज्यादा तेजी से डूब गया। अगर ये सीधी तरह से आइसबर्ग से टकराता तो शायद बच जाता। ना ही क्रू के पास बाइनोक्यूलर्स थे, अगर उनके पास होते तो शायद वो आइसबर्ग को वक्त पे पहचान लेते और हादसे से बच जाते। लेकिन टाइटैनिक के बाइनोक्यूलर्स एक स्टोरेज कैबिनेट में बंद थे और सिर्फ एक क्रू मेंबर के पास कैबिनेट की थी और उस क्रू मेंबर का ट्रांसफर हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि बिना बाइनोक्यूलर्स के भी क्रू को आइसबर्ग को पहचानने के लिए वक्त मिल सकता था, लेकिन टाइटैनिक के क्रू आइसबर्ग को वक्त पे पहचान नहीं पाए क्योंकि उस रात हवाई हालत की वजह से ऑप्टिकल इल्यूजन और मौसम की खराबी सुपर रिफ्लेक्शन का सबब बना, जो शायद परिंदे को भी छुपा